दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुकुमार साहू, करियर कोच, करियर गाइड। आप सबका स्वागत है लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर पे। दोस्तों आज जो मैं बात करने वाला हूं वो है ब्रेकफास्ट। मैं एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, एक काम कीजिए, जब सोते हैं आप तो वीडियो को एकदम शांत जगह में सुन सकते हैं, क्योंकि आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं या जो टॉपिक लेकर आया हूं वो बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है आपको आपका इंटरव्यूज़ के लिए। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं या फिर किसी गेस्ट से जब आप बात करते हैं तो ये सारे बातें जानना बहुत ज़रूरी है जो आज मैं बताने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। अगर आप एक होटलियर हैं या फिर होटल मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो को ज़रूर एक बार सुनिएगा। अगर आप सुनेंगे देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और साथ ही साथ आपको याद रहेगा और ये ज़िंदगी भर के लिए आपको बेनिफिट होने वाला है। ये कोई वन टाइम इन्फॉर्मेशन नहीं है दोस्तों, तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं हर जो टिप्स है उसे मैं वन बाय वन करके बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये स्पेशल टॉपिक। दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट होता क्या है? जैसे हम लॉन्ग आवर सोने के बाद, जो नाइट होता है लॉन्ग आवर सोने के बाद, जब मॉर्निंग उठते हैं दोस्तों तो फाइव स्टार और स्टार कैटेगरी होटल्स में ब्रेकफास्ट दिया जाता है गेस्ट। ज़्यादातर ये रूम पैकेज में आता ही है और जो इस पैकेज से अलग करते हैं उसको पे करना पड़ता है। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट जनरली स्टार्ट होता है 6:30 इन द मॉर्निंग पे और उसके बाद ये चलता है 9:30 या 10 o'clock, डिपेंड करता है होटल के स्टैंडर्ड के ऊपर। और आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ब्रेकफास्ट टाइप्स का, ठीक है, जिसे आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। जो पहला ब्रेकफास्ट प्लान है दोस्तों वो है कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट। अब बताऊंगा मैं कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट है क्या। मैं पहले बार आपको बोला, ध्यान से सुनिएगा, इसको याद रखने की ज़रूरत है। दोस्तों कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट में आता है क्रोजो, मफिन, ब्रियोश, साथ में बटर और उसके साथ में प्रिजर्व, जैसे आपका जैम हुआ, मार्मलेड हुआ, इसको साथ में दिया जाता है दोस्तों। इसके साथ में आप फ्रेश जूसेस, चाहे वो जो भी सीजनल फ्रूट हो दोस्तों, जैसे एप्पल है, ऑरेंज जूस है, वाटरमेलन जूस है, मैंगो जूस है, जो भी है उस टाइम जो भी जूस अवेलेबल रहेगा वो जूस आप ऑफर कर सकते हैं। जैसे ब्रेकफास्ट खत्म हो जाए दोस्तों आप उनको ऑफर कर सकते हैं टी या कॉफ़ी। तो ये हो गया कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट है दोस्तों अमेरिकन ब्रेकफास्ट। दोस्तों अमेरिकन ब्रेकफास्ट में चॉइस ऑफ फ्रूट्स, कट फ्रूट्स आप दे सकते हैं, जूसेस दे सकते हैं, चॉइस ऑफ सीरियल्स जैसे व्हीट फ्लेक्स, राइस फ्लेक्स, चोको फ्लेक्स, तो इस तरह के फ्लेक्स आप दे सकते हैं मिल्क के साथ में। मिल्क भी दो तीन प्रकार का आता है, तो जैसे गेस्ट का चॉइस है सब दे सकते हैं। साथ ही साथ आप एग भी ऑफर कर सकते हैं, जैसे एग है, बॉयल्ड एग है, पोच एग है, सनी साइड अप है, तो इस तरह का जितना भी डिफरेंट एग प्रिपरेशन है वो आप ऑफर कर सकते हैं। और दोस्तों हॉट बेवरेजेस जैसे टी, कॉफ़ी आप सर्व कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका अमेरिकन ब्रेकफास्ट। अब दोस्तों बात करेंगे इंग्लिश ब्रेकफास्ट क्या है। दोस्तों इंग्लिश ब्रेकफास्ट जो है ये फुल मील टाइप का है। ये सब ब्रेकफास्ट में सबसे ज़्यादा फूड इसमें आता है जो है इंग्लिश ब्रेकफास्ट। इंग्लिश ब्रेकफास्ट दोस्तों सबसे पहले जूस आएगा, टोमेटो, ऑरेंज, पाइनएप्पल जूस, डिफरेंट कट फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट आप ले सकते हैं, चाहे मैंगो हो, वाटरमेलन हो, पपाया हो, बनाना, तो इस तरह का जितना भी सीजनल फ्रूट है दोस्तों आप ऑफर करते हैं इसमें। चॉइस ऑफ सीरियल्स जैसे म्यूजली है, पोरीज है, हॉट चॉकलेट है, राइस फ्लेक्स, चोको फ्लेक्स विथ हॉट और कोल्ड मिल्क। आप इसमें फिश भी आता है, जो पोस्ट बॉयल्ड या ग्रिल्ड फिश आता है, आप स्टीम करके भी दे सकते हैं फिश को, और बॉयल्ड एग दे सकते हैं जिसमें पोस्ट एग है, बॉयल्ड एग है, सनी साइड अप है। चॉइस ऑफ एसोटेड ब्रेड लाइक हार्ड रोल, सॉफ्ट रोल, क्रोजो, मफिन, ब्रेड लोफ, चाहे वो ब्राउन ब्रेड हो, वाइट ब्रेड हो, आप टोस्ट करके भी ऑफर कर सकते हैं विथ जैम, हनी एंड मार्मलेड। और बेवरेज में दोस्तों इसमें आप टी, कॉफ़ी, हॉट चॉकलेट विथ कोल्ड मिल्क, हॉट मिल्क आप दे सकते हैं, कॉफ़ी में भी या टी में आप हॉट एंड कोल्ड दोनों दे सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बुफे ब्रेकफास्ट। तो बुफे ब्रेकफास्ट एक नाम ही बता रहा है कि वो बुफे है, तो गेस्ट जो भी चाहता है वो अपना उठा के खा सकता है, जो है बुफे ब्रेकफास्ट। इसमें भी आप अगर शुरू करेंगे ब्रेकफास्ट तो उसमें आएगा आपका लाइव काउंटर आएगा, जिसमें आप अंडे का प्रिपरेशन दे सकते हैं, चाहे बॉइल्ड, पोस्ट, सनी साइड अप, जो भी एक प्रिपरेशन है। उसके बाद जूसेस हैं जो फ्रेश जूस, फ्रेश फ्रूट्स, उसके बाद जो भी आपका लाइव किचन में रहेगा दोस्तों आप सब ऑफर कर सकते हैं।
और फाइनली जो है दोस्तों वो है आपका रीजनल ब्रेकफास्ट। तो सिंस हम लोग इंडियंस हैं तो मैं बताऊंगा इंडियन ब्रेकफास्ट। इंडियन ब्रेकफास्ट में दो चीज होते हैं दोस्तों, एक होता है इंडियन ब्रेकफास्ट और दूसरा जो टिपिकल होता है वो होता है साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट। अगर इंडियन ब्रेकफास्ट की बात करें तो आएगा डोसा, इडली, उत्तपम, अप्पम, पूरी, पोंगल, एग टोस्ट, वेज कोरमा, कढ़ाई करी, आलू भज्जी मसाला, वेज स्ट्यू, रेड कोकोनट चटनी, व्हाइट कोकोनट चटनी, आलू गोभी पराठा विद कर्ड, छोले भटूरे, ये सब आप इंडियन ब्रेकफास्ट में सर्व करते हैं। तो ये था दोस्तों आज का जो भी ब्रेकफास्ट का डिटेल्स। दोस्तों मैंने फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये वीडियो को आपने ध्यान से सुना नहीं तो दोबारा सुनिए, क्योंकि ये इंटरव्यूज में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आपका जो पांच डिफरेंट ब्रेकफास्ट मैंने बताया, ज़्यादातर इंटरव्यूज में इस तरह क्वेश्चंस आता है, अगर इसको आप याद कर लिए तो कहीं ना कहीं आपको सफलता जरूर मिलेगी इंटरव्यूज के लिए। क्योंकि इंटरव्यू मेन दोस्तों ब्रेकफास्ट का पूछा जाता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट जो गेस्ट आते हैं जब सवेरे उठता है कोई गेस्ट और जब रेस्टोरेंट्स में आते हैं तो उनका माइंड फ्रेश रहता है। अगर उस टाइम उनका माइंड अगर ख़राब होता है आपका सर्विस की वजह से तो उनका दिन खराब हो जाता है। तो यही वजह है जब इंटरव्यू लेते हैं दोस्तों आपका, जब भी आप अगर होटलियर्स हैं या फिर होटल में पढ़ने जा रहे हैं होटल मैनेजमेंट का पढ़ाई, तो ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा। और ये वीडियो को बार बार देखेंगे आप तो जाके आपको सब याद रहेगा और ये आपका इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। दोस्तों मेरे प्रीवियस वीडियो में एक मैंने क्विज कंपटीशन रखा था, अगर वो आप अभी तक आपने देखा नहीं है या फिर आप उसका आंसर देना चाहते हैं तो मैं यहाँ आई बटन में लिंक दे देता हूँ, कृपया वीडियो को देखिए और क्विज में पार्टिसिपेट जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारा उसमें प्राइजेस हैं। और दोस्तों अगर आप आंसर देना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके आंसर दे सकते हैं। आशा करता हूँ आज का हमारा टॉपिक आपके लिए बहुत काम आने वाला है। अगर आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कीजिए। अगर पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, किसी प्रकार वीडियो आपको हरदम मिलता रहे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, आप रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाज़त। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।